दोस्तों वन प्लस यूजर के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है जो कि दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आज इसी वीडियो में। दोस्तों कुछ दिन पहले वन प्लस नोट 2 जो कि दोस्तों पिछले महीने लॉन्च हुआ है, बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था, बहुत ही ज्यादा इसके यूजर और बहुत ही ज्यादा यूनिट इसकी सेल हो गई है दोस्तों। लेकिन दो दिन पहले ही दोस्तों एक न्यूज मिली है जो कि दोस्तों बहुत ही दुख भरी है, दुखद है। वन प्लस नोट 2 जो है दोस्तों वो फटने की खबर आई है। दोस्तों मामला कुछ यूं है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेडिंग लिखी है फर्स्ट में, फिर फटा एक और वन प्लस नोट 2 यूजर सुरक्षित लेकिन सदमे में, जांच में जुटी कंपनी। अब दोस्तों मामला ये है कि पिछले महीने लॉन्च होने वाला ये वन प्लस नोट 2 फटने का दूसरा मामला सामने आया है जो कि दोस्तों बहुत ही एक बड़ा इशू है। ट्विटर यूजर शुभम श्रीवास्तव की लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि नया वन प्लस नोट 2 जो उन्होंने अपने पिता के लिए खरीदा था वह फट गया है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही दुखद है जो कि दोस्तों एक वन प्लस यूजर के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद है। तो पिछले महीने लॉन्च होने के बाद जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले महीने लॉन्च होने के बाद से वन प्लस नोट टू फटने का यह दूसरा मामला सामने आया है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया, दुर्भाग्य से दोनों विस्फोट की घटनाएं कथित तौर पर भारत में हुई है जो ब्रांड के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। और ट्विटर उपयोगकर्ता शुभम श्रीवास्तव की लेटेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि नया वन प्लस नोट 2 जो उन्होंने अपने पिता के लिए खरीदा था वह फट गया है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं, ये वन प्लस नोट 2 का हाल हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना बुरी तरह से ये फट गया है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बुरी तस्वीरें हैं, कितनी भयावह तस्वीरें हैं जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको उस बंदे की ट्वीट दिखा देता हूं। दोस्तों ये हादसा जो है, जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वन प्लस नोट 2 साइकिलिंग के दौरान हुआ था। साइकिलिंग करते हुए दोस्तों ये वन प्लस नोट 2 फटा, यूजर का हुआ एक्सीडेंट, कुछ इस तरह का है। और दोस्तों जो बंदा है, इससे पहले की जो खबर आई थी वो थी दोस्तों एक अंकुर शर्मा जो थे और शुभम श्रीवास्तव जो कि अब लेटेस्ट में है, तो दोस्तों इस तरह से है। और जो पहले वाला जो मोबाइल फटा था वो दोस्तों कुछ इस तरह से हुआ था, आप देख सकते हैं ये कैसा मतलब। और ये उस बंदे की ट्वीट थी। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, कितना जबरदस्त, कितना मतलब भयावह ये फटा था। और आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त वाली, ये मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, कितना खतरनाक तरीके से ये फटा है, जो कि दोस्तों एक ट्रस्टफुल कंपनी है। और जो कि दोस्तों वन प्लस नोट 2 जो था इसका एक मिड रेंज वाला, एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छे फीचर वाला फोन था। लेकिन दोस्तों ये एक फ्लैगशिप फोन होने के बावजूद भी दोस्तों ये फटने वाला हुआ है। दोस्तों दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले जो दोस्तों वो आई थी MI के गैलेक्सी नोट 7 में, दोस्तों वो भी फटने की उसमें प्रॉब्लम आई थी। लेकिन दोस्तों अब ये दूसरा मामला जो है वन प्लस में आया है, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अब दोस्तों पता नहीं कि वन प्लस नोट 2 क्या करेगी, वन प्लस कंपनी क्या करेगी, और या तो यूनिट चेंज करेगी या फिर दोस्तों चेक करेगी कि क्या इसमें यूनिट में ही प्रॉब्लम थी या दोस्तों कोई और इशू था, तो दोस्तों कह नहीं सकते। गौरतलब करते हैं कि इस ट्विटर यूजर ने कहा है कि उन्होंने 5 दिन पहले वन प्लस नोट 2 खरीदा था। शख्स ने अपनी वाइफ के लिए ये फोन खरीदा था, दूसरा जो मामला है दोस्तों। और इस ट्वीट के मुताबिक वन प्लस नोट 2 के फटने की उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और वो ट्रामा में है। दोस्तों दूसरा मामला जो है वो ये था कि उनकी वाइफ जो है साइकिलिंग कर रही थी और साइकिलिंग के दौरान दोस्तों वो फोन जो था फट गया, तो दोस्तों ये एक हादसा हुआ है। दोस्तों वो कह नहीं सकते, हो सकता है दोस्तों जब ही चार्ज किया हो फोन को, फोन की बैटरी गर्म हो रही हो। कभी कभी दोस्तों हम ध्यान नहीं देते हैं कि बैटरी गर्म हो रही है, फोन हीट तो नहीं कर रहा है, या फोन को बच्चे कभी कभी दोस्तों गेम ज्यादा खेलने लगते हैं जिसकी वजह से फोन ज्यादा गर्म होने लगता है, और दोस्तों हम इस बात का ध्यान नहीं करते। तो दोस्तों इस बात को हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, अगर फोन ज्यादा हीट हो रहा है, फोन गर्म हो रहा है, तो दोस्तों उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, जाकर सर्विस सेंटर में बातचीत करें, इस मुद्दे पर कहें कि भाई फोन हमारा ज्यादा गर्म हो रहा है, हो सकता है दोस्तों वो फोन में आपको कुछ नुकसान हो जाए। तो इस बेहतर ये है कि दोस्तों आप पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल लें, तो यार आपको थोड़ा सा सुरक्षित रहना है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फोन है, कितना बेहतरीन फोन है, लेकिन दोस्तों लुक इसका काफी बहुत ही जबरदस्त वाला है। मतलब काफी लोगों के इस पे एकदम, जब ये निकला था लॉन्च हुआ था,
तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा यूनिट इसकी एकदम बिक गई थी और दोस्तों मतलब ये बुकिंग इसकी स्टार्टिंग से ही शुरू हो गई थी। तो दोस्तों काफी अच्छा फोन है, लेकिन दोस्तों कह नहीं सकते क्या वजह हो सकती है। हो सकता है दोस्तों कुछ बंदे की भी प्रॉब्लम रही हो सकता है दोस्तों उसी यूनिट में कोई प्रॉब्लम रही हो, तो कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों अब तक दो मामले वन प्लस नोट टू के सामने आए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।